भूमि विवाद में घायल अररिया निवासी की 3 महीने बाद इलाज के दौरान मौत। अररिया के जोकीहाट में मटियारी पंचायत के अजहुआ गांव में अरसद आलम की 3.5 महीने बाद इलाज के दरमियान पूर्णिया में मौत हो गई। परिजनों ने शव को दफनाने से मना कर दिया। पुलिस के काफी समझाने के बाद परिजनों ने शव को दफनाने का काम किया। दरअसल भूमि विवाद में 16 अप्रैल को मृतक अरसद आलम की पड़ोसियों के साथ जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें मृतक अरसद को अंदरूनी चोट लगी थी। अररिया से पटना और पूर्णिया में इलाज चला, लेकिन उसकी 3.5 महीने के बाद मौत हो गई। इस बीच मटियारी पंचायत के मुखिया द्वारा पंचायत कर मामले को निपटाने और इलाज का खर्च देने की बात हुई थी, लेकिन परिवार वालों ने आरोप लगाया कि कोई खर्च नहीं मिले, जिस कारण उसका बेहतर इलाज नहीं हो पाया और मौत हो गई। मृतक अरशद की पत्नी रूना खातून ने जोकीहाट थाने में आवेदन देकर सलीमुद्दीन, मरगूब, मतीन, तस्वीर, तनवीर, रूबी व रिहाना को आरोपी बनाते हुए हत्या का दोषी बताया है। आवेदन में रूना ने गुहार लगाया है कि दोषियों को सजा देकर हमें न्याय दी जाए। रूना पर 4 मासूम बच्चों को पालने की अब बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। परिवार वालों ने मुखिया पर आरोप लगाते हुए उसे मौत का जिम्मेदार बताया। हम ना छन परिवार दी शादी कर जल्दी दी शादी करे एक बात वो बेटा उमर छोड़ी दी कि तीन तो हमें एक मरलन परिवार हमर बूढ़ो ऊपर वो जे उखनो छ कि बेटा से कभी आग नहीं दे रही से खेत जे रह छी नीचा में तो उचास माटी दे छी नीचास माटी दे छी जब वहां माटी दिवल जा छी तो कोदार लाग दौड़ी छ काटे क्या अभी तोरा काटी है तो छ बेटा छी वो चल छ काटे बार बार 10 वो जमीन कते छी वो जमीन बाद हम छी बादक जमीन अग झगड़ा छी जब जबरन वो मने की कब्जा के रखी देली भैया री बिठाऊं कब्जा कर लो ये जमीन। अच्छा ठीक ठीक ये घर के गल छी बाप छते की नाम बोलन तोर हमर नाम बहरुद्दीन बहरुद्दीन मने तोर से आरोप छी कि ओकरा मैलो गेली से हां मैलो गेली मैल कह लिया आरोप नहीं छी बोला मैल से आरोप मारा गया है ओ मारा गया है आज तो आदमी सब ना पड़ गया नहीं था कोई यदि बुखार आप लोग को शिकायत करना चाहिए ना शिकायत वाला मुखिया ने बड़ हमको बर्बाद किया हो ओ वही लोग मने कि इसमें मुखिया बेटी चोद पटसना मुखिया बेटी चोद पटसना हमको बर्बाद आरोप नहीं दिया गया तो हकीकत बात है उसी को मिलने आप बयान दे आप इनका इंसाफ दिला दीजिए जो हक इंसाफ है वो इंसाफ दिला दीजिए।